एडुटी विकास चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कलर ग्रेडिंग सिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छा सा किसी भी फोटो में आउटपुट मिल जाएगा। सो आज का जो फोटो एडिटिंग होने वाली है उसमें प्रीसेट की मदद से फोटो एडिटिंग होने वाली है। तो प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके प्रीसेट को सबसे पहले डाउनलोड कर लो। उसी प्रीसेट की मदद से कैसे कैसे इसको फोटो पे ऊपर काम पे लेना है वो आपको सिखाऊंगा। एंड आज की जो कलर ग्रेडिंग होने वाली है वो लेमन कलर ग्रेडिंग होने वाली है, मतलब कि लेमन कलर का कलर टोन जो होगा वो आपके इस फोटो में आएगा। तो सारे चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से जैसे मैं यहाँ से फोटो ओपन कर लिया, ऐसे आप फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लीजिएगा फोटो। जैसे मेरे बैकग्राउंड पे ग्रीन टाइप का फोटोज है, इसको मैं लेमन कलर करने वाला हूँ। मतलब कि आप कहीं पे बैठे हुए पोज पे अगर शूट कर रहे हो, अगर आप गर्ल हो तो ऐसे शूट कर रहे हो, या मैं दो फोटो लेकर रखा हूँ, जैसे बॉयज का एक फोटो, छोटे बच्चे का एक फोटो लेकर रखा हूँ, तो दोनों के ऊपर ये अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके बारे में सारे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीसेट अप्लाई करने से पहले आप कंट्रोल जे दबा के एक डुप्लीकेट लेयर बना लो अपना बैकग्राउंड लेयर का। जो लेयर का काम कर रहे हो उसी का डुप्लीकेट लेयर एक बनाना, उसके बाद फिल्टर पे जाना है, यहां से लेना है कैमरा रॉ फिल्टर। तो कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे आपका ऐसे वीजेड ओपन होगा, आप यहां से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना, यहां से लोड सेटिंग्स होगा, तो लोड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना एंड ये लेमन कलर इफेक्ट जो है इसको डबल क्लिक कर देना, तो आपका जो लेमन कलर इफेक्ट है वो तुरंत अप्लाई हो जाएगा। यहां पे बहुत सारा चीजें आया है, आप अपने हिसाब से करेक्शंस वगैरह कर सकते हो। जैसे आप इस फोटो के अंदर मैं बात करूं तो थोड़ी सी ऑरेंज टाइप का कलर्स यहां से टोन एक्स्ट्रा आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कलर मिक्सर के अंदर जाऊंगा, यहां से ऑरेंज कलर का टोन जो होगा, यहां से देखो आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज कलर का टोन थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाउन कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जैसे आपको चाहिए होगा। साथ में और एक चीज दिखा देता हूं, यहां से जो येलो कलर्स है इसी से ही थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का यहां से फील आ रही है, तो आप थोड़ा सा राइट साइड तक ऐसे ड्रैग कर दो, ये हो गया है आपका परफेक्ट जो है लेमन कलर ग्रेड। तो ये थोड़ा सा आपका ग्रीन बढ़िया था इसलिए ऐसे हुआ। अगर आपको ये वाला फोटो के अंदर दिखाऊं तो इसका ग्राउंड्स वगैरह आप खुद देख लो कैसा यहां से आउटपुट दिखेगा, आपको उसके बाद आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंट्रोल जे दबा के इसको डुप्लीकेट लेयर बनाता हूं, देन फिल्टर पे कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है, और इसी कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर मैं वही प्रीसेट अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लोड प्रीसेटिंग्स करता हूं एंड मेरा ये वाला प्रीसेट अप्लाई किया। तो यहां से करेक्शंस क्या करना पड़ेगा, देखिए फोटो के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे इस फोटो में अगर देखो तो ब्लू कुछ जगह पे ऐसा है ना, बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप इसको तो फिक्स कर सकते हो, ये अलग प्रोसेस है। तो फिक्स करने का प्रोसेस आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप डिटेल के अंदर जाना, यहां से आपको जो दिख रहा है जैसे अब यहां से नॉइज रिडक्शन जो है इसको आपको इंक्रीज करना होगा, तब आपको ये सारे चीजें जो होगा वो फिक्स होता जाएगा। जैसे आप देखो यहां से मैं इंक्रीज किया तो ये फिक्स हो गया, बट कोई ना, आपको और एक तरीका बता देता हूं। तो ऐसे अगर ज्यादा कलर्स आ रही है एंड आप चाह रहे हो कि इतना ज्यादा कलर्स मेरे को चाहिए नहीं है, तो कलर मिक्सर के अंदर जाना, कौन सा कलर ज्यादा हो रही है, मेरे इस हिसाब से यहां से ब्लू कलर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रही है, तो मैं ब्लू को पूरा 100 से थोड़ा सा कम कर दूंगा। देखो कुछ इतना तक करूंगा, इतना तक मेरा बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जैसे मैं अगर इंक्रीज करूं तो वहां पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो कुछ मैं अगर ऐसा कर देता हूं तो देखो मेरा जो जितना सारा प्रॉब्लम था वो फिक्स हो चुका है। अब बाद में ये और इसके ऊपर और क्या काम आप कर सकते हो, जैसे मैं स्किन का काम अगर आपको समझाऊं तो यहां से देखो स्किन बहुत हद तक एक बढ़िया बन चुका है यहां से। तो आपको और भी बेहतर बनाने के लिए आप चाहो तो यहां से एक कार्व ले सकते हो, यहां से कार्व देखो लाइट थोड़ा सा ऐड होगा, साथ में आप नीचे वाला हिस्सा को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा एंड ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ा सा नीचे तक थोड़ा सा, ठीक है, इतना हुआ। अभी इसके ऊपर एक मास्क है, कंट्रोल आई दबा तो मैं मास्क को इन्वर्ट किया। अभी अगेन ब्रश टूल यूज करूंगा क्योंकि मेरे को यहां से ओनली स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, तो आप फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखिएगा एंड ब्रश टूल की मदद से अपना फेस वगैरह के ऊपर ब्रश कर लीजिएगा, तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा ना ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाली है। देखो मैं यहां से अप्लाई पूरा पूरा कर लिया, अब देखो मेरा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप बिगिनेट मोड वगैरह भी डाल सकते हो, तो उसके लिए इन सारे लेयर को ग्रुप बनाता हूं, मार्ज करता हूं कंट्रोल ई प्रेस करके एंड अगेन कैमरा फिल्टर ओपन करता हूं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करते हुए। यहां से इफेक्ट वाला सेक्शन के अंदर जाके थोड़ा सा बिगिनेट मोड डाल सकते हो, यहां से राउंडनेस एंड फिदर को 100 कर दो, बेस्ट रिजल्ट आपको दिख जाएगा। एंड साथ में आप डिटेल के अंदर या सॉरी कार्ब के अंदर जाके थोड़ा सा कार्ब को ऐसे एनहांस कर दो एंड आप बेसिक के अंदर थोड़ा सा यहां से टेक्सचर एंड क्लियरिटी इन दोनों को ऐड करके मैं करता हूं ओके। तो ये फोटो का चेंजेस आप खुद देख सकते हो पहले से कितना चेंजेस हो गया है। तो प्रीसेट की मदद से देखो कलर टोन भी कितना बढ़िया हो चुका है, ग्राउंड का कलर टोन आप खुद देख सकते हो, बहुत ही हद तक एक बढ़िया फोटो बन जाएगी। तो ये फोटो भी बन गया है मेरा और ये फोटो, दोनों फोटो के ऊपर मैं सेम प्रीसेट अप्लाई करके आपको दिखा दिया। तो आशा करता हूं ये प्रीसेट की मदद से आप अपना फोटो एडिटिंग जो लेमन कलर ग्रेड है वो आप आसानी से
कर सकते हो। तो ऐसे हर एक दिन नया नया प्रीसेट लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो आप मेरे वीडियो पे जरूर प्यार देना। तो चले मिलते हैं नया कुछ इस तरह से एडिटिंग के साथ, नया कुछ इस तरह से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।